नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। हर तीन वर्ष की भांति अग्रवाल शिक्षा संस्थान के इस सत्र का चुनाव आगामी 22 सितंबर को होने जा रहा है, जिसके लिए जमकर जद्दोजहद जारी है। आपको बता दें कि पदाधिकारियों द्वारा प्रचार के माध्यम से अग्रसेन समाज के लोगों को अपने साथ लाने का प्रयास जारी है। वहीं आपको बताते चलें कि इस बार अध्यक्ष पद के लिए दोबारा प्रदेश के प्रसिद्ध समाज सेवियों में एक बीआर हुंडई एजेंसी के मालिक सुरेश अग्रवाल फिर दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री पद के लिए अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, मंत्री पद के लिए रुपेश अग्रवाल, मीडिया प्रभारी पद के लिए मनीष अग्रवाल मैदान में हैं। आज प्रचार कार्यक्रम के दौरान इन प्रत्याशियों ने सी न्यूज भारत पर बोलते हुए अपनी नीति और दावेदारी प्रस्तुत की। अग्रवाल शिक्षा संस्थान का चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और यहाँ पर एकजुटता दिखा भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान पदाधिकारी हैं और इस बार शिक्षा मंत्री चुनाव लड़ने जा रहे हैं अनिल अग्रवाल। क्या कहेंगे, समाज सेवी रहे हैं और बड़े संस्थान आपके हैं, किस तरह यहाँ पर अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं? देखिए, मैं विगत 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य कि सुरेश अग्रवाल जी जो बीआर हुंडई ग्रुप के हैं और उनकी पूरी टीम, जिसमें महामंत्री खाटू श्याम मंदिर में जो वर्तमान में मंत्री हैं, वो इस अग्रवाल शिक्षा संस्थान के चुनाव में मंत्री पद पर हैं, कोषाध्यक्ष पद पे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदों पर और कार्यकारिणी सदस्यों में, और जो अग्रवाल शिक्षा संस्थान की 5 इकाइयां हैं उसके अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष के पद पर ये चुनाव हो रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, चूँकि मुझे शिक्षा मंत्री के पद के योग्य माना गया है और टीम ने चुना है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अग्रवाल शिक्षा संस्थान का ये चुनाव है और शिक्षा संस्थान के तहत जो यूनिट संचालित हो रही हैं, उन यूनिट्स को और बेहतर ढंग से हमारी शिक्षा व्यवस्था हो सके और बेहतर हम उसमें बदलाव ला सकें। चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से निजी विद्यालयों से जुड़ा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश के समस्त निजी विद्यालयों का अध्यक्ष भी हूँ, तो शिक्षा को लेके मेरे मन में बहुत तरह की चीज़ें रहती हैं और शायद मुझे लगता है इसी कारण से, इस योग्य समझते हुए मुझे इस पद के लिए नामित किया गया है। अग्रवाल शिक्षा संस्थान के समस्त सम्मानित सदस्यों से मैं आदरणीय सुरेश कुमार अग्रवाल जी की टीम की तरफ से सिर्फ एक आग्रह करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा, यह चुनाव शिक्षा संस्थान का है, तो आप उम्मीदवार की योग्यता को देखते हुए उसके अपने विवेक का को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग करें और जो बेहतर उम्मीदवार आपको दिखाई दे रहा है उसको अपने वोट अवश्य दें और शिक्षा संस्थान उत्तरोत्तर ऊंचाई पर पहुंचे, उसके लिए पूर्व में भी 3 के कार्यकाल में आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी जो पुराने अध्यक्ष थे, वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और होने वाले चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, उन्होंने व्यक्तिगत आर्थिक सहयोग के रूप में भी शिक्षा संस्थान को बहुत कुछ दिया है। एक बात और कहना चाहूँगा, जो वैसे प्रतिद्वंद्वी शब्द एक शिक्षाविद के मुँह से अच्छा नहीं लगता, लेकिन चुनाव हो रहा है तो प्रतिद्वंद्विता कहीं ना कहीं आ गई है। उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उपलब्धियों का जिक्र किया। उन उपलब्धियों में क्या उस अध्यक्ष का नाम उन्हें नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि उनके कार्यकाल की वो उपलब्धियां थी। उस समय की धनराशि 3 रुपए थी, आज बढ़कर 9 हो गई है। 3 में संस्थान में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं और समाज के भामाशाहों ने धन दिया है, वो व्यक्तिगत आपका धन नहीं था, और यदि आप उसका पूरा श्रेय स्वयं ले जाना चाहते हैं तो ये गलत है। मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये उसकी गरिमा को शायद ठेस पहुँचाएगा, लेकिन आगे से मैं उन्हें सलाह ज़रूर दूंगा कि घोषणा पत्र जब जारी करें तो अपनी उपलब्धियों का जिक्र करें, और अगर समाज की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, शिक्षा संस्थान की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, तो उस अध्यक्ष का नाम अंकित ना करना। ये कहीं ना कहीं आपकी नीयत और आपकी क्या नीति हो सकती है उसको जरूर बताता है। अध्यक्ष पद के लिए इस बार दावेदारी कर रहे हैं, क्या कुछ अलग है इस बार जो करके दिखाएंगे? अलग कुछ नहीं है, मैं इस अग्रवाल शिक्षा संस्थान में 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले वर्ष मैंने चुनाव लड़ा, मैं जीता। मेरे मन में हमेशा से एक ही जागरूकता थी कि हमारा समाज शिक्षित समाज हो, हमारा संस्थान एक अच्छी ऊंचाइयों पे हो, जहाँ पे हमारे
समाज के बच्चे और दूसरे समाज के बच्चे भी आएं और पढ़ें। जो हमारे समाज में निर्धन बच्चे आते हैं जिनके पास फीस के पैसे नहीं होते हैं, हम अपने पास से उनकी फीस जमा करके उनको पढ़वाने का प्रयत्न करवाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा करें। हम उनको इतना अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, हम अपने यहाँ इतना बड़ा बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, बनाई है हमने सारी स्मार्ट क्लासेस बना दिए, स्विमिंग पूल बना दिए, हॉल बना दिए, हमने सारे फ्लोर्स के ऊपर 12-12, 14-14, 18-18 कमरे बढ़ा दिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ सबको कि हमारा शिक्षा संस्थान एक लखनऊ में गर्मा में स्थिति में आएगा और सबको ये बताएगा कि यहाँ अग्रवाल शिक्षा संस्थान एक ऊँचाइयों पर आ गया। मैं रुपेश अग्रवाल आगामी 22 सितंबर को होने वाले अग्रवाल शिक्षा संस्थान में मंत्री पद हेतु प्रत्याशी हूँ। 22 तारीख को मोतीनगर स्थित हमारी मेन ब्रांच में मतदान होगा, जिसमें प्रातः 9 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान डाला जाएगा। 1287 सदस्य हैं जो मतदान का उपयोग करेंगे और रात्रि 11 बजे तक उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाएगा। आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी की टीम से मीडिया प्रभारी पद का प्रत्याशी हूँ। एक टीम के बारे में शायद वो बात नहीं रखी गई जो हम लोग हर बार रखते हैं कि आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी ने योग्यता को ही वरीयता दी है और हमारी टीम में मोर देन 50% आर यंगस्टर, तो युवाओं को और योग्यताओं को वरीयता देने का कार्य किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं सुरेश जी को लगता था कि जब युवा बढ़ेगा तो साथ साथ संस्थान भी बढ़ेगा, युवा अपनी ऊर्जा से और जो वरिष्ठ लोग हैं उनके अनुभव से हम लोग एक मेलजोल बना के संस्थान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ने ये पूछा था हमारे माननीय सुरेश जी से कि आपके जो है आपका चुनाव क्या डिफरेंट है। हमारा कहना है हमारा जो चुनाव डिफरेंट ये है कि जो संस्थान केवल मुट्ठी भर लोगों के हाथों में खेल रही थी वो आपकी खुल करके समाज के साथ में जुड़ी है। इसके अंदर केवल 4 आदमी हमारे पुराने हैं, बाकी इसके अंदर 33 आदमी जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं सब नए हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। हमने एजुकेटेड फैमिली को लेकर के इसको एजुकेशन ओरिएंटेड हमने कॉलेज को बनाने की पूरी कोशिश करी है, पूरी कमेटी को बनाने की कोशिश करी। तो फिलहाल ये थी हमारे साथ वो प्रत्याशी जो यहाँ पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव कौन जीतेगा समय बताया, पर एक बात स्पष्ट है कि जब मेहनत होती है तो रंग जरूर लाती है। कैप्टन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीएस भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।